दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। निर्मण के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों हेलनेट डालने का काम कर रहे हैं बागवान। निर्मण के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों बागवाना अपने बगीचे में सेब के पौधे में हेलनेट की सफ़ेद चादर उढ़ाने का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। सगोफा, बसवारी, बडारी व आदि क्षेत्रों में बागवान आजकल हेलनेट डालने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से अब भगवान सतर्क से हो गए हैं। ओलावृष्टि के खतरे से अपने बगीचे में चाव कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें हेलनेट से पूरी वादियां खूबसूरत सी दिखने लगी हैं। प्रगतिशील बागवान रुपेश जोगी व बादल राठौर का कहना है कि हेलनेट लगाने से जहां एक और सेब सेटिंग अच्छी होती है, क्योंकि मौसम के खराब होने से नेट के नीचे पौधे में तापमान में उतनी गिरावट नहीं आती जितने कि खुले में आ जाती है, जिससे सेटिंग में बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि नेट लगाने से जहां एक और बीमा सुरक्षा रहता है, वहीं नेट के नीचे फूल भी स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, जिससे ओलावृष्टि से सेब के फल एवं पत्तियां भी सुरक्षित रहती हैं। इसलिए बागवान अपने बगीचे में हेलनेट लगवाना चाहिए। इस मौके पर सूर्य जोगी, कैलाश जोगी, महेंद्र जोगी व आदि लोग मौजूद रहे। इन दिनों अपने बगीचे में हेलनेट का लगाने का काम कर रहे हैं। रुपेश जी, आप आजकल अपने बगीचे में क्या कुछ खास कर रहे हैं? देखिए, आजकल हम अपने बगीचे में जैसे हेलनेट लगा रहे हैं, जिससे अभी चांस रहते हैं ओला आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है आजकल का जो मौसम है जी। तो जिससे कि क्या है, जो ओलावृष्टि होती है उससे हमारा इस सेब जो है, जैसे हमारा बीमा हो गया, फूल हो गए, पत्ते हो गए, डैमेज नहीं हो पाएंगे, जैसे हमारा नेट लगा हुआ है जी। और जिससे हमारा जो जो फसल होगी उसमें अच्छी होने के आसार रहते हैं। अच्छा, इसकी लगाने की प्रक्रिया बताएं आप हमें। लगाने की प्रक्रिया जैसे हमारे 80% सब्सिडी जो सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश वासियों को मिल रही है जी, तो प्रदेश सरकार की। तो उसके चलते हमने ये सब अरेंजमेंट किया है जी। और तो प्रोसीजर ये रहता है कि जैसे आजकल का जो मौसम है तो आजकल चांस ज़्यादा आने के रहते हैं आजकल ओलावृष्टि के, इसलिए सब हमारा जिससे कि जैसे ओला आता है ओले से भी सुरक्षित जी और नमी बनी रहती है, मधुमक्खियों के लिए सही रहता है, जिससे कि फसलों के लगने के आसार भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।